شیطان رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان رشید پر تشریف فرما اور انڈیا مسجد سے اتحاد المسلمین کے یہاں کے ہمارے ضیاء بھگوان صاحب نیان جاگوتا صاحب اورنگ آباد کے ہمارے ڈاکٹر غفار قادری صاحب اور تمام مسجد سے اتحاد المسلمین کے چاہنے والے ذمہ داران اور یہاں پر موجود میرے دوست میرے بزرگ میرے بھائی اور میری پردادشی ماں بہنیں آج کا یہ جلسہ ایک انتخابی جلسہ 1 اگست کو آپ کے اپنے شہر جلگاؤں میں چناؤ ہونے والے کافی سیاست پارٹیوں نے اپنے اپنے امیدوار کو ٹھہرایا ہے وہیں پر مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی جانب سے اچھے امیدواروں کو آپ کے بیچ میں ٹھہرایا ہے اتنے برسوں سے آپ کے سامنے کافی سیاست پارٹیاں آئی چناؤ کے پہلے آئے آپ سے ووٹوں کی بھی وعدے کیے کہ اگر ہم تو ہم یہاں پر یہ کام کر دیں گے وعدے کیے اگر ہم چناؤں میں جیت جائیں گے آپ کی جو روز مرہ کی تکلیفیں ہیں چاہے اسپتال کو لے کر ہو اسکول کو لے کر ہو راستے کی ہو پانی کی ہو ہر قسم کی تکلیفوں کا کہا تھا کہ ہم ان سے مٹائیں گے مگر چناؤ ختم ہوتے ہی آپ نے ان کے بھروسہ کر کے ان پہ ووٹ دے دیا آپ نے ان کے وعدوں کو مان لیا آپ ان کی زبان میں آ گئے کیونکہ آپ کا دل تو صاف تھا آپ نے بھروسہ کر دیا ووٹ دیا انتخاب میں وہ آئے لیکن آپ کا کوئی کام نہیں آپ کے بھروسے کا قتل ہو کیا پھر سے آپ بھروسہ کرو گے ایسی جماعتوں پر کیا پھر سے آپ بھروسہ کرو گے ایسے لوگوں پر نہیں کریں گے نا ایک بار ہم لوگ کھا گئے بار بار نہیں کھانے والے بھائی اب اپنا ٹائم ہے اب لات مارنے کا ٹائم آ گیا اب جھوٹے وعدے جو کرتے تھے جھوٹی باتیں جو کرتے تھے ان لوگوں کو ان کی جگہ دکھانے کا ان کی اوقات دکھانے کا وقت آ گیا کیونکہ اب وقت ہمارا ہے اب آپ کے بیچ میں مجلس اتحاد المسلمین آئی ہے جو ہم لوگ نہ پھینکتے ہیں نہ بول بچن دیتے ہیں نہ جملہ بازی کرتے ہیں نہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں بس ہم تو آئے آپ کے آپ کا کام کرنے کے لیے آپ لوگوں کو جو 70 سال سے بے وقوف بنایا ہے وہ ہٹانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ آپ کی اپنی جماعت ہے یہ آپ کا کام کرنے میں مانتی ہے ہمارا کام ہی ہماری پہچان ہے بھائی آج چاہے آپ حیدرآباد میں دیکھ لو چاہے مہاراشٹر کی اسمبلی میں دیکھ لو جہاں جہاں مجلس اتحاد المسلمین گئی وہاں دیکھ لو ہمارے جیتے الگ بات ہے ہر جیت کا فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتا ہے
लेकिन जहां जहां मजलिस से त्याग और मुस्लिम बीन ने अपना परचम लहराया, अपनी यूनिट बनाई, अपने आदमी रखे, वहां आज भी बिना मुफाद के लोग काम कर रहे हैं हमारे लोगों के, लोगों के फायदे के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये लोग अपने हमारे, इनको भी बरसों से सियासत पार्टियों ने बेवकूफ बना के रखा, क्योंकि इनके पास कोई अपनी जमात नहीं। कहा गए भाई वोट देने चलो पंजे को डाल दिया, कहा गए वोट देने इसको डाल दिया, कहा गए वोट देने फला को डाल दिया। आपके पास आपकी कोई अपनी जमात नहीं थी जो आपका काम करे, आपकी बात सुने, आपकी बात असेंबली में हो या पार्लियामेंट में, हर तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपकी बातों को रखा। पिछले कुछ सालों में जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई, ये देखो भाई खामोशी के साथ सुनने गए तो सुनो, देखो आप लोग बोलो भाई चुपचाप बोलो, खामोश खामोश हो जाओ, खामोश। पिछले चार सालों में आपने देखा देश की हालत क्या हो गई है, हमारे महाराष्ट्र राज्य की हालत क्या हो गई है, क्योंकि ये बीजेपी या शिवसेना ये की सरकार सत्ता में आई, किसकी वजह से आई है? अगर ये निकम्मी कांग्रेस, ये निकम्मे राष्ट्रवादी, ये समाजवादी, ये लोग अगर सही काम करते तो आज ये जालिम लोग आकर आप पे और हम पे राज नहीं करते, इनकी ताकत नहीं होती। इन नपुंसकों की वजह से आज हमको ये बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अब तो बात ये आ गई कि हमारी शरीयत को मुदाखलत कर रहे हैं, हारा है दिन कुछ न कुछ नहीं आ रहा है। सुनो मोदी जी, सुन लो गांधी परिवार, सब सुन लो, मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अपनी शरीयत में मदाखिलत किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। हम लोग शरीफ लोग हैं भाई, क्यों छेड़ते, क्यों सतर्क, अपना अपना देखो ना। मुसलमानों की हमारी मां बहनों को इंसाफ दिलाएंगे पहले मोदी जी, अरे जरा वृंदावन में भी जाके देख लो, लाखों की संख्या में हमारी हिंदू बहनें इंसाफ की गुहार लगा रही है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा भाई। और हमारी एक भाभी तो गुजरात में भी इंसाफ के लिए बैठी है, बरसों से राग देख रही है, राजा परदेसी तेरा देश मगर नहीं, खुद के घर में नहीं झांकेंगे, हमारे घर की फिक्र ज्यादा है। आज महाराष्ट्र की आप देखो बात, बीजेपी सरकार है, 2014 के चुनाव के पहले वादे किए थे हम आएंगे, मराठाओं को आरक्षण देंगे, धनगर समाज को आरक्षण दे देंगे, किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, विदर्भ अलग कर देंगे, फुला कर देंगे, विकास कर देंगे, सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सारे जुमले थे। आप 2014 के चुनाव के बाद अपनी अपनी मां बेटियों को संभालो, आज डाटा है कि हिंदुस्तान में हमारी मां बहनें सुरक्षित नहीं है। आपके हमारे अपने महाराष्ट्र राज्य में 2000 से ज्यादा औरतें लापता है, 2 साल से आज तक उनका पता और ठिकाना नहीं है। बताओ ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपका स्लोगन किस तरह से बचाएंगे,
आप बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो, होता कुछ और है। आरक्षण की बोलिंग डाला इन लोगों ने, मैंने पहले से कहा था, चार साल हो गए असेंबली में, हर सेशन में हमने यही गुहार लगाई कि आप मुसलमानों को आरक्षण दे दें। हम रिलीजन के ग्राउंड पे आरक्षण नहीं मांगते, नहीं, हम आरक्षण मांग रहे हैं उन तीन कमेटी के रिपोर्ट की बुनियाद पर, सेक्शन कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी और मिश्रा कमेटी। तीनों कमेटी का ये रिपोर्ट आया था कि महाराष्ट्र का मुसलमान सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड, हम उस बुनियाद पे रिजर्वेशन मांग रहे हैं। कमेटी का रिपोर्ट है, करोड़ रुपया खर्चा करके कमेटी का गठन किया था, मगर उस पर सत्ता में कौन था? यही आपका पंजाब कांग्रेसी और राष्ट्रवादी। 15 साल सत्ता में रहे, रिपोर्ट उनके पास था। तो मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेसियों से कि क्या चीज थी, किस चीज ने आपको रोक रखा था जो आपने मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया था इतने सालों में? 2014 के चुनाव के पहला जब इनको समझ में आ गया कांग्रेसियों को कि अब तो नैया डूबने वाली है, अब वापस जीत के आने का चांस नहीं है, तो ये लोगों ने जाते जाते 15% रिजर्वेशन जॉब में दे दिया। कांग्रेस ने ही बनाया, किस चीज ने रोका था आपको? ये फिर से आएंगे मुसलमानों को बेवकूफ बनाने 2019 के लिए, ये था नियत इन लोग। अगर ये लोग रिजर्वेशन दे देते, कानून बना देते, तो आज ये नौबत नहीं आती। और फिर चोर का भाई गिर गई, बीजेपी आ गई सत्ता में, बीजेपी ने आने के साथ ही जॉब पे से रिजर्वेशन हटा दिया। हाईकोर्ट में मैटर पेंडिंग है कि 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को एजुकेशन में मिलना चाहिए, नहीं देते ये भी। अरे सुनिए, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, सुनो, वारिस पठान अपने बेटे के लिए रिजर्वेशन नहीं मांग रहा है, वारिस पठान उन बच्चों के लिए रिजर्वेशन मांग रहा है जिनका यह अरमान है कि वो भी इस राज्य के दूसरे नागरिकों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़े। वो भी आईपीएस ऑफिसर बने, वो भी आईएएस ऑफिसर बने। और जिस तरह से आपके बच्चे आगे बढ़ते हैं, हमको भी शौक है हमारे बच्चे भी आगे बढ़े। अरे अपने को हक है नहीं है? हक है या नहीं है? रिजर्वेशन चाहिए ना? अरे तो चिल्लाओ ना, ये सब अंडिया बहनों का जमाना है, यहाँ जो दिखता है वो बिकता है, जिसकी आवाज मुझती है वही सामने जाती है, बाकी कुछ नहीं होता। चिल्ला चिल्ला के खड़े हैं वहां पे। मैंने तो साफ कहा मराठा भाइयों को भी सुन लो, तुमको भी रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है, सिर्फ गोलीबाजी मिलने वाली है, सिर्फ सिर्फ लॉलीपॉप। लाखों लोग आगे रस्ते में रिजर्वेशन दे दो दे दो दे दो, 5-5 MLA रिजाइन कर रहे, कुछ नहीं होने वाला है, सब गंदा है, पर धंधा है, ये लोग की सियासत है। और अब तो एक बच्चा भी अचानक बड़ा हो रहा है, MNS, अचानक से उसको क्या मालूम क्या हो जाता, अचानक रस्ते पे नमाज क्यों पढ़ते हैं, मस्जिद में लाउडस्पीकर क्यों है, अजान देने के लिए लाउडस्पीकर की क्या जरूरत है, तेरे को क्या करना है भाई? अबे 1400 साल से अजाने दी जा रही है, नमाजें पढ़ी जा रही है, रुकने वाले नहीं है। हमारी खामोशी को
हमारी कमजोरी मत समझना। डरते नहीं किसी से भी, डर नहीं है किसी के बाप का भी। अरे हमारी अजान, अरे कभी सुन के तो देख ले मेरे भाई, मालूम पड़ेगा क्या विकास है। पांगी की आवाज तो सुन ले पूरी, तू बोलेगा रोज बजाओ, मेरे घर के बाहर बजाओ, मेरे घर के अंदर बजाओ। हमारी एक मिनट की अजान तुमको इतनी भारी पड़ गई। रस्ते पे नमाज क्यों पढ़ते हैं? अरे क्या मुझे आपको शौक है क्या रस्ते पे नमाज पढ़ने का? अरे क्या शौक है क्या हमको ये बारिश में धूप में रस्ते में नमाज पढ़ने का शौक है क्या हमको? अरे जगह नहीं है, इसलिए पढ़ते हैं मजबूरी हो गई। जब तुमको तकलीफ नहीं हुई, जब तुम्हारे गुंडे रस्ते में उतर उतर के ट्रैफिक को रोकते हैं, लोगों को मारते हैं, जब तकलीफ नहीं हुई, हमारी अजान से तकलीफ हो गई। अरे जब तुमको तकलीफ नहीं हुई, जब कासिम चिल्ला चिल्ला के सियासत के पहले ये इसी तरह की ऊंची हरकत करेगा सबको पता था, क्योंकि मैंने तो पहले भी कहा था, आज भी बोलता हूं, आगे भी बोलूंगा, उजाड़वा दिया है, उजाड़वा दिया। हमारे रिलीजन मैटर में इंटरफेयर करेंगे। अरे हम तो वो लोग हैं, हमारा तो वो देश है, गंगा जमुना सरस्वती का प्रतीक है हमारा देश, हम तो हर त्योहार मनाते हैं। तुम्हारी महाआरती चलती है जब रस्ते पे घंटियां बजाते हैं, हम तो ऑब्जेक्शन नहीं लेते हैं भाई। अरे गणपति के फेस्टिवल में 10 दिन तक रस्ते में ट्रैफिक, ढोल बाजा सब बजता है ना, हम तो ऑब्जेक्शन नहीं लेते ना भाई। फिर तुमको क्या ऑब्जेक्शन? बंद करो अपनी ये गंदी सियासत और बंद करो अपनी ये गंदी राजनीति, क्योंकि अब तो मेरा मराठी मानुस भाई भी समझ गया है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है सिवा बोलने का। मुसलमानों के खिलाफ बोलो, या से वोट लो, मुसलमानों को गाली दो या वोट लो, लेकिन अब गाली दो के दुनिया भी लात खाओगे, पब्लिक भी लात मारेगी, सब लात खाओगे। जनता जनार्दन है भाई, पब्लिक सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, सब कुछ पहचानती है। और इसको तो पूरे महाराष्ट्र के मराठी मानुस में तुमको बोलना चाहता हूं, सुनो मेरी बात गौर से, सुनो मेरी बात गौर से। महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख मराठा किंग जिनको बोलते थे आदरणीय बालासाहेब ठाकरे साहब, उनके घर में जन्म लिया, उनके खानदान से नाम मिला ठाकरे, उनकी उंगली पकड़ के बचपन में आगे बढ़े, चलना सीखा, उनकी उंगली पकड़ के सियासत सीखी, उनके नाम से नाम बनाया, उनके नाम से शौहरत हासिल की, और नाम दौलत शौहरत सब हासिल करने के बाद क्या किया तुमने ठाकरे परिवार के साथ? उनके भी पीठ पर तुमने छुरा फो। सुनो मराठी मानुस से बात हकीकत है, ये तुम्हारा नहीं हुआ, ये ठाकरे परिवार का नहीं हुआ, ये उद्धव ठाकरे का नहीं हुआ, तो ये मेरे मराठी मानुस भाई ये तुम्हारा क्या होगा? आप सोचना तुम्हारे हाथ में सोचो ये हुआ है। आज हमको छेड़ा, अरे हमने एक चीज बोला भाई, हम लोग किसी को छेड़ते नहीं है, और अगर छेड़ा तो फिर छोड़ देंगे। अभी तुमने छेड़ा ना, अरे इब्तिदा इश्क़ रोता है क्या बच्चे, आगे आगे देख होता है क्या, पास 19 थे एक आ गया, एक से 0 हो गए, तीसरे से राजनीति। अरे कुछ बता ना, क्या काम करेंगे तुम महाराष्ट्र के आवाम के लिए, क्या करेंगे? नहीं सिर्फ रिलीजन, हमारे
जाति मामला में दखलबाजी करेंगे और उसी बुनियाद पर तुमको वोट नहीं मिलेगा। मराठी मानुष भाई भी बहुत होशियार हो गया है, समझ गया है ये गंदी राजनीति में अब नहीं आना। अब ऐसी पार्टी के साथ जाओ जो विकास की बात करती है, जॉब देने की बात करती है, हमारे मसले मसाइलों को अवाम असेंबली में और अवाम पार्लियामेंट में उठाती है, उसके साथ जाएगा हर इंसान हर शख्स। आज हाँ उसको बोल रहे हैं साइलेंट हो जाओ बच्चा है, नहीं तो हम लोग वायलेंट हो जाए। हद में रहो सरहद में रहो, ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। हाँ हम लोग कायदे कानून का पालन करते हुए हमारी नमाजें भी अदा करते हैं, हमारी अजान भी देते हैं, सब दे रहे हैं 1400 साल से। इंशाअल्लाह अल्लाह सुभानहू व तआला ने चाहा तो आगे भी चलेगा। तुम्हारी बातों का कोई बोल नहीं है, कोई गौर भी नहीं करता है, हटाओ तो अभी हटाओ साइड में, ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं। मराठा मानुष ने यहाँ बिठाया, बाद में नीचे डाल दिया। मेरा ठाकरे परिवार के साथ क्या किया आपने देखा ना, छोड़ दिया नाम दौलत शौहरत कमाने के बाद। नहीं राजनीति ये नहीं, राजनेता वो है, लीडर वो है, इंसान वो है, पावरफुल इंसान वो है। ये वहां पर इनका चेहरा तो मैं भी थोड़ी देर में बेनकाब करता हूं करूं, फिर जाना पड़ेगा पीछे। ये सेक्युलर पार्टी बोलते थे ना, मैंने देखा इनका चेहरा, इनका असल रूप मैंने असेंबली में देखा है। मैं तो सियासत में बच्चा था ना, जब असेंबली में गुस्से बीजेपी के ने चुनाव वक्त है जिसके लिए आप है हम सब बेकरार है, जिसका इंतजार कर रहे हैं। और यार ये तूफान आया आया, तूफान आया आया, और यार तूफान ये लोग के लिए तो कुछ छोटे मोटे बच्चे काफी है। असल भाई को भरा उठने वाले चिल्लर पिल्लर के लिए तो काफी है। यही कांग्रेसी, यही राष्ट्रवादी, यही शिवसेना और बीजेपी सारे के सारे 281 आ गए घेर लिया। ये बोलना है अगर हिंदुस्तान में रहना है भारत माता पे ये बोलो, मैं नहीं बोलता, एक बार बोला दो बार बोला, उसके बाद अल्लाह ने दो किस्म के लोग पैदा किए भाई, एक इंसान एक पठान। अपना भी कभी कभी माता रगड़ता है, कोई भी निर्णय लो, एक तो अपन क्या खाते हैं उसका भी पावर है, खाते हैं ना सब खाते हैं ना, बस ताकत है प्रोटीन है उसमें खाओ, उसका भी है और एक तो अपने पास जिगरा भी है। हाँ किसमें ताकत है जिगर के साथ बात करते हैं, 1 मीटर कफन अपने को ना मिल जाता, देखे घूमते डरते नहीं इन लोग के तरह आपसे गरम गरम लिए मछली से क्या दे सकते बहुत बोला, मैंने भी उठ के बोल दिया चल 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 नहीं बोलता, ऐसा बोला चल 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 नहीं बोलता, नहीं बोलता सब के सब मिलके ये सेक्युलर पार्टी ये कांग्रेस ये राष्ट्रवादी सब ने मिलके मुझे सस्पेंड कर दिया, सस्पेंशन लिया मैंने, लेकिन अपने ईमान से नहीं गया, सस्पेंशन ले लिया लेकिन अल्फाज मेरा वही था, पैदा हुआ था जिस वक्त उस वक्त भी मेरे मुंह पे वही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इंशाअल्लाह मरूंगा उस रोज मेरी जुबान पर बोल सकता हूं।
तो मजलिस के आमदार मजलिस के सिपाही कभी ये सब चीजें नहीं करते। अरे कुर्सियां आती है जाती है, लाख मारते हैं उसी कुर्सी को यार। हम लोग को काम नहीं मानते, हमारा काम हमारी पहचान, आपके दिल में मोहब्बत। आज नहीं कल नहीं परसों इंशाल्लाह मजलिस के लिए आएगी और जरूर आएगी। 2014 के चुनाव के पहले भी माहौल यही था, जमात आई मजलिस इख्तियार में, उसने भी जो महाराष्ट्र में अपने कैंडिडेट्स को खड़ा किया, आप जैसे ही हमारे दोस्त बुजुर्ग हमारी माँ बहनों ने मिलकर दुआओं से हमको नवाजा, इज्जत आबरू से नवाजा और 2 MLA को चुनकर असेंबली में भेजा। ये आपकी दुआओं का नतीजा है कि आज 2 MLA दो है मगर 281 पे भारी है। अपने मुंह से अपनी बात नहीं करता, आप लोगों ने तो देखा ना, साइलेंट हो जाओ, बोलते नहीं, वोट करके भी घर दे, आप हमारी पहचान है। आपके बीच भी आने का यही मकसद है कि आप लोगों का काम करना, ये हमारा एक फर्ज है। इतनी दूर से क्यों आए, हैदराबाद में सब कुछ है, MLAs है, कॉरपोरेटर्स है, 52 साल से पार्टी इधार में है, हॉस्पिटल बना है, स्कूलें हैं, बैंक्स हैं, स्कूलों में भी हम बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई देते हैं, अस्पताल है जहां पर आप 20 रुपया दो 3 महीने तक इलाज मुफ्त, और वो अस्पताल भी आप देख लो जाकर अपनी आंखों से, पूरे महाराष्ट्र में वैसे अस्पताल आपको नहीं मिलेंगे जैसे वैसे अस्पताल। वहां पर जो हमने किया लोगों ने उस चीज को सराहा, देखा अपनी आंखों से, देश की नीट तमन्ना लोगों ने लगाई हमसे पूरे हिंदुस्तान में। लोगों ने कहा असद भाई आपने हैदराबाद के लिए तो इतना कुछ किया, हमारे लिए भी कुछ करिए, हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं है, हमारे लिए करने वाला कोई नहीं है, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, आप हमारे लिए कुछ करिए। यही इरादा, यही नियत लेकर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन पूरे महाराष्ट्र में आई, यूपी में गए, बिहार में गए, जहां जहां लोगों ने पुकारा गए, वो लोगों को जगाया, लोगों को बताया कि देखो संविधान ने आप लोगों को भी हक दिया है, पावर दिया है, आप लोग भी संविधान के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर अपने हक का इस्तेमाल, अपने वोटों का इस्तेमाल, अपने हक की लड़ाई लड़ो, और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। वो 70 साल से गवर्नर रहे लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है, आपके साथ अपनी सत्या मुस्तबीन करिए, आपकी आवाज बनकर ये इरादे से आए। महाराष्ट्र में भी मुख्तलिफ जगहों पर अकबर भाई ने जगह ली ताकि यहां भी स्कूल बनाए, यहां पर अस्पताल कायम करे, यहां के लोगों को भी इलाज मिले। वन साइड बोलते रहेंगे, बराबर इनको ढोकना पड़ता टीवी में। मैं भी एक मजलिस का जमात का छोटा सा कार्य करता जो लोगों के काम करने में विश्वास है, क्योंकि मैंने तकलीफ देखी है इतने वर्षों से, मैंने मेरे भाइयों को डर में, घबराहट में, झूठे वादों में फंसने में देखा है, मुझे इस दर्द का एहसास, इसलिए हम लोग जमात के साथ। कोई भी मसला आप देख लो, अखलाक को मार दिया गाय के नाम पे, 100 आदमी चले गए, एक नियते को मार दिया, गाय की तस्करी कर रहा था, आवाज किसने उठाई, सिर्फ बैरिस्टर समिति ने। मैं गाय जो काऊ विजिलेंटेस जो बोलते हैं ना अपने आप को, काऊ विजिलेंटेस गौ रक्षक,
क्या इनकी हिम्मत है? 100-200 आदमी जमा होके एक बेचारे बेगुनाह, बेकसूर, निहत्ता मुसलमान या दलित को पकड़ते हैं रस्ते में, फूट फूट के उसको मारते हैं, हाथ पैर तोड़ देते हैं, बीजेपी के लीडर आते हैं, उनकी तारीफ करते हैं कि वाह अच्छा किया, यही बात नहीं रुकती। जब ये करेंगे जो आतंकवादी से कम नहीं है, आतंकवादी का क्या काम है आपको पता है ना, लोगों के दिलों में दिमाग में दहशत पैदा करना अपनी हरकत से, तो जब ये करेंगे इस तरह का काम करते हैं तो ये दिखाना चाहते हैं लोगों को, देखो हमने कितना एक समाज को डरा दिया, कितना हमने मुसलमानों को डरा दिया, कितना हमने दलितों को डरा दिया, ये इनकी मंशा होती है। और जब ऐसे लोगों को सरकार पकड़ के जेलों में डालती, सिर्फ रिक्शा भी उठाया चल चार पांच, जब बाहर छूट कर आते जमानत, जमानत पर पूरे केस में भाई सब बरी नहीं हुए, केस तो चलेगा और फांसी होना चाहिए इंशाल्लाह इन लोगों को, बाहर छूट के आते तो इनके वरिष्ठ बीजेपी के जो नेता और लीडर है वो इनको घर बुलाते, इनको हार पिलाते, इनको मिठाई नहीं खिलाई जाती है, ये दिखाया जाता है वाह क्या बहादुरी का तुमने काम किया, 200 आदमी मिलके गए, एक नियत ने बेकसूर को मार दिया, अरे शर्म करो नालायक, और शर्म करो, शर्म मार दिया मुझे तुम्हारा नाम भी अपनी जुबान से लेने के लिए, नियत को मार दिया और उसके बाद में उसके गले में हार पिलाते हो क्या? अरे तुम में अगर थोड़ी सी गैरत थी तो जाते उसकी बेवा को मिलते, उसकी बेवा के सर पे हाथ रखते, बोलते बेटा फिक्र मत कर हम लोग हैं तेरे लिए, ये भी बात होता तो ये करता, ये बेगैरत लोग, बेगैरती का नकाब चोला ओढ़कर ये घूम रहे हैं देश में इस तरह की बातें फैला रहे हैं। जुनैद को मार दिया, कासिम को मार दिया, किस तरह बड़ा बेरहमी के साथ कासिम को आप लोगों ने देखा ना, एक जानवर को भी इतनी बेरहमी से नहीं मारते उतना बेरहमी से कासिम को मार दिया इन लोगों ने, और किस तरह घसीट कर लेकर गए। और जब मध्य प्रदेश के अंदर एक शेर जख्मी होता है उसको पहले बेहोश किया जाता है, स्ट्रेचर मंगवाया जाता है, उसके बाद उसको अस्पताल लेके जाया जाता है, यानी तुम्हारी नजर में एक मुसलमान की कीमत जानवर से कम हो गई ना, यही दिन देखने के लिए तुम लोग इकतदार पे आए, इसीलिए दिल चलता है, यही बातें नहीं समझ में आती, हम आपको आते हैं बताने ये बातें, जागो चैन से सोना है तो जाग जाओ, तो सन्नाटे को चीरती हुई आ रही है सनसनी, याद रखो आगे हमारे बच्चों के साथ ये ना हो, इसलिए आपको बता रहा हूं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, मगर कायदे कानून में रहकर संविधान के दायरे में रहकर अपना फर्ज अपना हक अदा करो। ये चीज आपको बताई जाएगी, हम आपको जगाने आते हैं, हम ये कहते हैं कि अपनी पार्टी को वोट दो, हमारी पार्टी में दलित है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, सब है, तो मीडिया कुछ और दिखा देती है, अरे नहीं नहीं अपने मुसलमान अरे नहीं मांगा, हमने कहा अपनी जमात को वोट दो, अपनी पार्टी को वोट दो, कोई गुनाह किया? आपकी पार्टी आपकी अपनी पार्टी, अरे विकास तो करना है ना हमको भी, आपका विकास करना है, तो क्या आपसे वोट की वारिस प्राण इतना भी हक नहीं समझता कि मेरे कलमा दुआ को भाई से मैं रिक्वेस्ट करूं कि मुझे वोट दो, मुझे अधिकार है नहीं है, मुझे तुम पे अधिकार है नहीं है, तुम्हारा मेरा रिश्ता
जिसका कलमे से जुड़ा हुआ आया नहीं है, तो कलमे की बुनियाद पे तुमसे मांग सकता हूँ ना, अपना हक अदा करोगे ना? मिलेगा ये सुनने के लिए चुनाव का दिन आता है तो उसके पहले काफी सारे लोग आ जाएंगे आपके बीच में। ये बातों पर नहीं आना, बंद करो लाउडस्पीकर, चल 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 तेरा काम कर, हम हमारा काम करेंगे, उसकी बात पर गौर मत करो। बहुत सारे लोग आएंगे, हमारी हार की एक और वजह ये होती है कि हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, हम लोग वोट नहीं डालने जाते। सुनो, आजादी से अब तक हमको कोई और तो अधिकार नहीं मिले, और तो राइट्स नहीं मिले, हमारे हकों को मार दिया गया है, हकों को छीन लिया गया है, और ये जो हक है हमारा वोट डालने का, हम क्यों ना सबको अदा करें? तो हमको चाहिए कि हम सब मिलकर आए अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाए। ये क्या जलगांव को जरूरत है अच्छे म्यूनिसिपल स्कूल की, आज जलगांव शहर को जरूरत है अच्छे अस्पताल की, आज जलगांव शहर को जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, अच्छे रास्तों की। जो भी मंत्री से इत्तेहाद और मुस्लिम लीग का पहली प्रश्न है उसके अंदर ये सारी चीजें हैं। हम इंशाअल्लाह अगर आपकी दुआएं रही और हमारे कॉर्पोरेटर आपके यहां से जीत कर कामयाब हुए आए, इंशाअल्लाह जुबान बेटा वारिस पड़ा, याद रखना। ये नहीं सुनता वारिस पड़ा आया बॉम्बे से, बात किया, बोला, हंसी मजाक किया, चला गया, नहीं नहीं, मैं आया हूँ अपना हक समझ के, मैं आया हूँ अपने भाइयों के बीच में, मैं आया हूँ अपने बुजुर्गों की दुआ लेने। वो दुआ ये चाहिए मुझे कि आप अपने यहाँ से कॉर्पोरेटर को जिताएंगे इंशाल्लाह, ये आप लोगों का काम पूरी तरह, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में कर रहे हैं, जहां हमारे पास नहीं है कॉर्पोरेटर वहां भी काम करे, लेकिन बल्दिया में किसी को भेजो तो वहां से काम अच्छा होता है, फास्ट होता है, अच्छी रीत से होता है, इस वजह से जिताना जरूरी है। आज एक वाहिद अगर इंसान आप तमाम के लिए लड़ रहा है, पूरे देश में लड़ रहा है, और मुझे फकर है जो मेरा और आपका टाई नजर आता है, तो हमको उसके हाथों को मजबूत, अगर हमको अपने आप को मजबूत करना है तो हमको मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का साथ देना होगा, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के हाथों को मजबूत करना होगा, वरना आगे भी इसी तरह से हम में से कोई इखलाक बनेगा, कोई कासिम बनेगा, कोई रकबर बनेगा। विधायक रक्षकों को सवाल है मेरा, दो गाय के लिए शक की बुनियाद पर तुमने रकबर का कत्ल कर दिया ना, उसके सात बच्चों को यतीम कर दिया ना, कल दिल्ली में इनकी गौशाला में 36 गाय मर गई, कहा चले गए गौ रक्षक, कहा चले गए, अरे ढूंढो ढूंढो कहा जाइए, अरे कहा ताकि लोग सामने आओ, बचाओ गांव माता को, 36 गाय दिल्ली के गौशाला में मर गई भूखमरी से, ये इनका गौ रक्षक। हम सबके लीडर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट जनाब कलेक्टर सभी तशरीफ फरमाए।